बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे अपनी वैम फैमिली फाइनली आई एम बैक विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई आज की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपनी बाइक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन लोगों के लिए जो ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब अपनी बाइक को आप रोड पर काफी ज्यादा चलाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको डर लगता है कि भाई कहीं पर आपकी बाइक ब्रेक डाउन हो जाती है तो आप उसको लोकल मैकेनिक को दिखाओ या ना दिखाओ। दूसरा इशू, अगर आपकी बाइक चलते बंद हो जाती है तो ऐसा क्या इशू आया बाइक में जो आपकी बाइक चलते बंद हो गई, मतलब आप घर से निकले हो बिल्कुल सही बाइक लेके और बीच में वो ब्रेक डाउन हो गई है। तो एक प्रोडक्ट है जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और उसका जो आउटपुट है ना वो बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा कोई इशू होता है और आप सर्विस सेंटर लेके जाते हो वो आपको बोल देते हैं कि हाँ भाई आपका इशू रिसॉल्व हो गया है, बट वो रिसॉल्व नहीं होता है। आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली है ना, थोड़े टाइम बाद वो इशू फिर से आ सकता है। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एक काम करता हूँ यार, पहले आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, उसके फीचर समझाता हूँ। बेसिकली दिस इज द ब्रांड कारपीएम करके, ये ब्रांड है और अगर आप इसको ऑर्डर करते हो तो यहाँ पे आपको दो डिवाइस आते हैं, ये तो है आपका प्लग इन और ये है आपका सेंसर। तो बेसिकली आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि अगर आपकी बाइक की बैटरी लो हो जाती है या फिर इसमें कोई भी इशू आता है तो सारे लोग आपको यही चीज़ बोलते हैं कि भाई इसको आप सर्विस सेंटर ले जाओ, वो वहाँ पे लैपटॉप लगाएंगे और आपका इशू रिसॉल्व हो जाएगा, मतलब लैपटॉप में आपका इशू पता चल जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आपकी जगह से जहाँ पे आपकी बाइक ब्रेक डाउन हुई है आपकी जगह से सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है तो यार ऑब्वियसली वो टो करानी पड़ेगी। तो ये डिवाइस क्या करता है, ये डिवाइस उस चीज़ को, उस बैरियर को ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस डिवाइस को यूज़ करते हो अपनी बाइक में तो ये आपका फॉल्ट बता देगा कि भाई हाँ बाइक में क्या क्या फॉल्ट है। बेसिकली एक बार मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ कि इन दोनों बॉक्स के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। तो पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि भाई आपको मिलता है एक कनेक्टर, तो आप ये देख लो कुछ ऐसा सा एक कनेक्टर मिलता है आपको। अगर मैं दूसरे बॉक्स की बात करूँ तो बॉक्स खोलने पे आपको एक मिलती है मैनुअल, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, स्टेप्स दिए गए हैं कि भाई आपको कैसे कैसे क्या करना है, तो आप इसको पढ़ के भी आराम से ये डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं तो हुई, तो अगर मैं स्कैनर की बात करूँ, एक बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा स्कैनर है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पास आके। सो बेसिकली ये है वो स्कैनर और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का बटन है, यहाँ पे तीन लाइट्स ब्लिंक करती है जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे कारपीएम की ब्रांडिंग है। ये जो छोटा डिवाइस है और ये जो कनेक्टर है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये मैंने ये प्रेस कर दिया तो ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब इसके बाद स्टेप क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक सॉकेट होता है जो कि हर बाइक में अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसका कवर निकाल लिया, कवर के साथ होता है और ये जो डिवाइस है ये अब मैं इसके अंदर प्लग इन कर दूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बाइक का इग्निशन ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी रेड कलर की लाइट जल रही है, इसका मतलब है कि भाई जो आपका डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुका है आपकी बाइक से। अभी बेसिकली मैंने आपको डिवाइस कनेक्ट करके दिखाया कि भाई कोई भी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, आप अपना डिवाइस आराम से कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। अब आपको करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है गैराज प्रो करके, मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। अब एक काम करते हैं, अपनी बाइक को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर लिया इग्निशन ऑन, अब इस एप्लीकेशन को खोलते हैं, गैराज प्रो करके ये एप्लीकेशन है। तो जैसे ही मैं एप्लीकेशन खोलता हूँ तो ये जो इंटरफेस है वो मेरे को दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं साइन अप कर चुका हूँ, अपना आईडी और पासवर्ड डाल चुका हूँ, आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। आप डिवाइस को कनेक्ट कैसे करोगे अपने फोन से, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन है, तो जब आप इस पर ब्लूटूथ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको पेयर करना पड़ेगा। मैंने वी लिंक से कर रखा है क्योंकि डिवाइस इससे ही पेयर होता है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कनेक्ट। तो यहाँ पे मेरा जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुका है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे डायग्नोस के अंदर आपको मिलता है रीड कोड्स, क्लियर कोड्स, लाइव डाटा, ट्रैक मोड और बाकी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। तो एक एक करके इनको समझते हैं। यहाँ पे माय गैराज में अगर मैं जाता हूँ तो पहले से ही मैं अपनी बाइक को रजिस्टर कर चुका हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ स्कैन अगेन पे, क्योंकि मैं पहले एक बार स्कैन कर चुका हूँ। तो स्कैन अगेन पे जब मैं गया तो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली देख सकते हो कि भाई आपको इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखनी है, आपको ABS से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखनी है, या फिर आपको सारी प्रॉब्लम्स एक साथ देखनी है जो कि रिकमेंडेड है। तो एक बार मैं व्यू रिपोर्ट करता हूँ, व्यू रिपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे व्यू फॉल्ट करता हूँ। तो यहाँ पे 8 फॉल्ट्स आए मेरी बाइक में, मतलब लिटरली 8 फॉल्ट्स इसमें है, मैंने खुद जनरेट नहीं किए हैं, मैं खुद शॉक हो गया था कि भाई 8 फॉल्ट्स कैसे आ सकते हैं मेरी बाइक में। तो अगर हम पहले फॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं फर्स्ट फॉल्ट की। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इशू विद द क्रैंक शाफ्ट पोजिशन सेंसर डिटेक्टेड, तो पहला प्रॉब्लम यह है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यार यहाँ पे आपको प्रॉबेबल कॉजेज बताए जाते हैं, ठीक है, सिम्टम्स बताए जाते हैं और
आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशंस भी होते हैं यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आपकी बाइक कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है, आप डर रहे हो कि यार मेरी बाइक जो है वो एक सुपर बाइक है या फिर एक हाई सेगमेंट बाइक है, अब मैं किसी मैकेनिक से खुलवाऊंगा, ऐसा ना हो कि भाई वो टायर खोल दे पर टायर में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसा ना हो कि भाई वो हैंडल आगे का डोम खोल दे पर उसमें तो प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस भी दिखाए जाते हैं कि भाई अगर आप वो अपने आप कर सकते हो तो अपने आप कर लो, मैकेनिक के बस की है तो भाई मैकेनिक को दिखा दो, या फिर अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो आप इसको सर्विस सेंटर ले जाओ, इट्स नो नीड। अगर आप अपने आप कर सकते हो तो सर्विस सेंटर ले आने की क्या जरूरत है। एक और फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब आप ये फॉल्ट अगर अपने आप कर लेते हो, सही कर लेते हो, प्रॉब्लम सही आपकी कनेक्टेड हो जाती है, तो उसके बाद आप क्लियर कोड भी कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली कोड के लिए क्या करना पड़ता है, भाई सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कोड दिखाता जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लैपटॉप लगने के बाद कोड हटाया जाएगा। तो यहाँ पे आप कोड भी हटा सकते हो, तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियर कोड करके एक ऑप्शन है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली वो हो जाएगा। अगर हम थर्ड फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइव डाटा। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं इग्निशन को एक बार, मतलब ऑब्वियसली इंजन को एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इंजन को स्टार्ट कर दिया, इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और अब मैं क्लिक करूँगा लाइव डाटा पे। तो मैंने ये लाइव डाटा पे क्लिक किया, ट्राइंग टू कनेक्ट टू OBD स्कैनर, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्शन होने के बाद अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे ये देखो आप सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे RPM। अब RPM में क्या है, बाइक अभी नॉर्मल खड़ी है, जैसे ही मैं रेव ज़्यादा करूँगा तो ये देखो इसका RPM लेवल बढ़ गया, बैटरी वोल्टेज भी बढ़ गया, ऑब्वियसली बैटरी पे जब लोड पड़ा, इंजन लोड बढ़ गया होगा जैसे ही मैंने रेव ज़्यादा किया, और यहाँ पे थ्रॉटल पोजीशन भी है, जैसे अभी 9% है, इसको मैं ज़्यादा करूँगा तो आप देख सकते हो 50% मैंने थ्रॉटल खोल दिया था क्योंकि मैंने रेव बहुत ज़्यादा किया है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं और आपको ऑप्शंस की बात करूं तो एक चीज़ के लिए हमें यार जाना पड़ेगा रोड पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रैकर भी है, ट्रैकर इन सेंस कि आपकी बाइक कितने सेकंड में 0 to 50 पहुँचती है, या फिर 0 to 80 पहुँचती है, या फिर 0 to 100 पहुँचती है। मैं आपको इस प्रोडक्ट का प्राइस बता देता हूँ, तो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 2499, जिसमें आपको दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। पर अभी जैसे कि हम लोगों को पता है कि भाई होली आ रही है और होली पे 15% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये प्रोडक्ट आपको पड़ेगा 2124 का, विच इज़ अ वेरी गुड डील, क्योंकि यार अगर कोई भी बाइक आपकी कहीं भी ख़राब होती है और वहाँ से आप टो कराते हो सर्विस सेंटर के लिए, या फिर सर्विस सेंटर वालों से आप ये सेम चीज़ कराते हो, तो वहाँ पे शायद डिवाइस लगाने का 1000 रुपये ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई एक बार इन्वेस्टमेंट करो एंड यू आर गुड टू गो। आपको इस प्रोडक्ट का प्राइस बता देता हूँ, तो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 2499, जिसमें आपको दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। पर अभी जैसे कि हम लोगों को पता है कि भाई होली आ रही है और होली पे 15% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये प्रोडक्ट आपको पड़ेगा 2124 का, विच इज़ अ वेरी गुड डील, क्योंकि यार अगर कोई भी बाइक आपकी कहीं भी ख़राब होती है और वहाँ से आप टो कराते हो सर्विस सेंटर के लिए, या फिर सर्विस सेंटर वालों से आप ये सेम चीज़ कराते हो, तो वहाँ पे शायद डिवाइस लगाने का 1000 रुपये ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई एक बार इन्वेस्टमेंट करो एंड यू आर गुड टू गो। वीडियो करते हैं यहीं पर रैप अप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो कर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 15% ऑफ चल रहा है इस प्रोडक्ट पे, तो यार मतलब काफ़ी बढ़िया और काफ़ी जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको पता ही है। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नई बाइक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।